हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं पालक कोफ्ता की सब्जी। पालक बहुत ही, आपको पता है, इसमें आयरन होता है, बहुत ही हेल्दी है। बच्चे वैसे पसंद नहीं करते हैं, तो कोफ्ते की सब्जी बनाकर हम उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। पालक के कोफ्ते बनाने के लिए, ये पालक के कोफ्ते बनाने के इंग्रेडिएंट्स हैं और ये है उसकी ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। तो उसके लिए मैंने आधा किलो पालक लिए, उसको बॉयल किया है और उसको बॉयल करते वक्त मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था और उसका बॉयल करने के बाद उसका पूरा पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। और उसमें मैं डालूंगी एक पिंच बेकिंग सोडा, चार बड़े चम्मच बेसन, एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा अमचूर पाउडर और सॉल्ट। और उसकी ग्रेवी का सामान है, थोड़े टमाटर लिए हैं, दो बड़े टमाटर, दो ओनियन, इन सबको मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है, अदरक लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, धनिया गार्निश के लिए, हल्दी पाउडर, कोरिएंडर लीव्स, जीरा और ये इमली का पानी, गरम मसाला। और हमें चाहिए आधा लीटर ऑयल कोफ्ते फ्राई करने के लिए। मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैं डालूंगी ये पालक, बॉइल की हुई पालक, इसके साथ ये बेसन, ये पिंच सोडा, लाल मिर्च, सॉल्ट और इन सबको मिक्स करके मैं एक डो बनाऊंगी। अच्छे से हाथ से मिक्स करके इसका डो बना लीजिए। ये इस तरह का डो रेडी है। तो अभी मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल डाला है और उसको हल्के आंच पे खोल दिया है और उसमें मैं आइए, अब मैं इसमें, आप हाथ से डालो या चम्मच से, किसी भी शेप के आप कोफ्ते बना सकते हो। एक एक करके मैं हाथ से डालूंगी। ये कोफ्ते मैंने इसमें सब डाल दिए हैं और इसको गोल्डन होने तक हमें डीप फ्राई करने हैं और बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करने, तो अंदर से पूरा पक जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटते रहेंगे। ये हमारे जब तक कोफ्ते रेडी हो रहे हैं तब तक आइए हम दूसरी साइड। मैंने एक पॉट लिया है, उसमें एक चम्मच बड़ा ऑयल डाला है, उसमें मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन शिमला मिर्च का पेस्ट। ये ऑप्शनल है, आप अगर अदरक लहसुन नहीं खाते हो तो भी ये अवॉइड कर सकते हो। इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और उसमें मैं ऐड करूंगी क्यूमिन सीड, जीरा, और उसमें ये ओनियन जो मैंने कट की है वो उसमें डालूंगी। इसको हम हल्का गोल्डन करेंगे। ये ओनियन ब्राउन होना शुरू हो गई है तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, रेड चिली पाउडर, और इसमें गरम मसाला डालना बहुत ज़रूरी है, तो इसमें से कोफ्तों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ग्रेवी का। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको थोड़ी देर के लिए ओनियन के साथ मसाले फ्राई करेंगे। ये हमारे मसाले सब भुन चुके हैं तो इसमें मैं ऐड करूंगी टमाटर, दो बड़े टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं। टमाटर इसमें डाल दिए हैं तो इसको मैं कवर करके पूरे टमाटर जब तक पक जाएंगे ढक्कन देके हम पकाएंगे। जब तक हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है, आइए हम देखते हैं, कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। इनको हमें इस तरह का कलर देना है, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और इनको एक मैंने बाउल लिया है, बहुत ठंडा ठंडा पानी लिया है, उसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी, तो इससे कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनेंगे। अब चेक करते हैं ग्रेवी, ये 10 मिनट मैं टमाटर और सब ग्रेवी जो पका है, इस तरह की स्मूथ ग्रेवी होनी चाहिए। और इसमें मैं अब ऐड करूँगी ये जो मैंने कोफ्ते रखे थे पानी के साथ, ये इसके साथ पूरा मैं इसके अंदर डालेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट, और ये जो इमली का पानी लिया था वो इसमें हम डालेंगे। इसको मिक्स करके अच्छे से इसको कवर करके 5 मिनट तक और पकाना है हमें।
अब एक बार मैं कोफ्ते चेक करती हूँ। ये ग्रेवी में अच्छे से कुक हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसको थोड़ी देर हम और कुक करने देंगे। अब चेक कर रहे हैं, वाह, ये हमारी कोफ्तों की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। अब इसको गैस को बंद करते हैं और सर्व करते हैं। ये शानदार ग्रेवी के साथ कोफ्तों की सब्ज़ी रेडी है। जल्दी जल्दी गर्मा गर्मा चपाती बनाइए और कोफ्ते के संग खाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।